हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आए हैं नेशनल क्राफ्ट म्यूज़ियम जो है प्रगति मैदान गेट नंबर 5 के पास। यहाँ पर हम एक्सप्लोर करने आए हैं लोटा कैफ़े, जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है इस एरिया में और बहुत ही प्यारी सी जगह है। ये देखने में आपको बहुत ही मज़ा आएगा जब आप यहाँ पर आएंगे। ये देखिए, अच्छी ग्रीनरी है और शिल्प कला का एक बहुत बढ़िया इन्होंने डिज़ाइंस यहाँ पर लगा के रखे हुए हैं। ये देखिए सारे, तो जब भी आएँ यहाँ पर टाइम निकाल कर आएँ तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। यहाँ पर फूड के अलावा आप घूम भी सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पर लोटा कैफ़े को किसी पहचान की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है यहाँ पर। पहले से कैफ़े में एसी नहीं था तो थोड़ा गर्मी लगती थी, बट अब ये फुली एसी कैफ़े हो चुका है और तो आपको यहाँ बैठने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। ये देखिए, सबसे पहले देखते हैं यहाँ का मेन्यू। ये देखिए, ये एकदम अपडेटेड मेन्यू है, जो इंटरनेट पर दिया गया है वो अपडेट नहीं है, तो रेट में आपको चेंजेस यहाँ दिख सकते हैं, बट आई एम श्योर कि वर्थ इट होगा, अब ट्राई करेंगे। यहाँ पर मैंने ऑर्डर किया है यहाँ एक मिनी रवा इडली और केसर लस्सी का। आज इसमें रश कम दिख रहा है आपको, बट वीकेंड में यहाँ बहुत ज़्यादा रश हो जाता है, वेटिंग टाइम जो है वो 1 आवर से भी ज़्यादा हो जाता है। तो मेरा सजेशन तो यही रहेगा कि आप यहाँ पर वीकडेज़ में आएँ और यहाँ पर खाने का इन्जॉय करें। कैफ़े लोटा में आपको दूसरे स्टेट्स का भी खाना मिल जाएगा, जैसे यहाँ पर हिमाचली थाली है, बिहार, राजस्थान, इस तरह का भी यहाँ पर फूड आपको मिल जाएगा। सो जी, आ गई है मेरी केसर लस्सी। ये देखिए, इसमें एक केसर डाला हुआ है। सो पहले टेस्ट करके देखता हूँ कि केसर का असली स्वाद आ भी रहा है या नहीं। सो ली मैंने बाय, केसर का टेस्ट तो आ रहा है, बहुत ही बढ़िया, अच्छी लस्सी, एकदम गाढ़ी गाढ़ी लस्सी है। ये लस्सी मिली मुझे 180 रुपये की और बहुत ही ज़रा टेस्टी है। टेस्टी तो है, बहुत मज़ा आ गया। तो जी, दूसरी जो मैंने चीज़ मंगाई थी वो है रवा इडली, मिनी रवा इडली, ये मिली मुझे 380 रुपीज़ में, 12 पीसीज हैं इसमें, और इसके साथ मिली है मुझे ये कोकोनट की चटनी। देखिए कितनी टेम्पटिंग लग रही है। इन रवा इडलीज में डाला हुआ है मोलगा पौड़ी मसाला। ये मसाला दाल, बहुत सारी अलग अलग दालों से मिलकर बनता है। सो अब टाइम है इसको टेस्ट करने का। सो मैंने ले लिया एक इडली के साथ, थोड़ा सा नारियल चटनी लगाई है। ये देखिए, बहुत ही अलग टेस्ट है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, ऐसा टेस्ट मैंने कहीं ट्राई नहीं किया। सो वर्थ इट है खाना है यहाँ पर। 380 रुपीज़ की थोड़ी मुझे महंगी लगी, बट एज अ टेस्ट वाइज और बहुत ही अलग टेस्ट है, मतलब वर्थ इट है 380 रुपीज़ भी। बट मैंने यहाँ पर इनसे सांभर भी मांगा था, बट उन्होंने नहीं दिया, जो मुझे अच्छा नहीं लगा। और ये इनके साथ इन्होंने मुझे दी एक ग्रीन चटनी भी दी है, तो इसके साथ भी ट्राई करते हैं। इसके साथ भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आ रहा है, ये यहाँ पर मस्ट ट्राई है। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप लंच टाइम में आ रहे हैं तो यहाँ पे थाली ज़रूर ट्राई करें, हिमाचली थाली, और सरसों का साग और मक्के की रोटी भी यहाँ बहुत फेमस है। और ये अब आ गया है मेरा बिल, इसके साथ आई है ये सौफ। ये सौफ मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये भी यहाँ की बहुत ज़्यादा फेमस है, गुड सौफ यहाँ पर मिलती है। ये देखिए, तो ऑलराइट गाइस, इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और मेरे वीडियो को